और बात कोरोना की कर लेते हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। जी हां, ओमिक्रॉन के मामले अब 500 के पार हो चुके हैं और रविवार को ओमिक्रॉन के 70 नए केस दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस भी दर्ज कर लिया गया है और कोरोना का नया वेरिएंट इस तरीके से अब 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहुंच चुका है। 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। वही मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। वैक्सीन की डबल डोज ना लगे होने पर भी कई जगह पर एंट्री बैन कर दी गई है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर जमकर लापरवाही देखने को मिल रही है। रविवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन बम फूटा है। राज्य में 31 नए संक्रमितों के साथ मरीजों की कुल संख्या महाराष्ट्र में 141 तक पहुंच गई है। वहीं केरल की बात करें तो यहां 19, मध्य प्रदेश में 9 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं चंडीगढ़, तेलंगाना, ओडिशा में भी ओमिक्रॉन के नए मरीज मिले हैं। तो एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी 500 के पार हैं और अब 19 राज्य ओमिक्रॉन के मामलों से प्रभावित हैं। हालांकि अभी से सख्ती के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं राज्यों ने। नाइट कर्फ्यू 6 राज्यों में लगा दिया गया है और कई जगहों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड नहीं होने पर एंट्री बैन कर दी गई है।